अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह बरकातुह। शहजुल में सभी का हर मकदम है। जैसा कि सभी जानते हैं कि हम दो हमारे बारह नाम की एक मुसलमानों को निशाने बनाने वाली एक फिल्म रिलीज करने जा रहे हैं, मतलब अगले महीने रिलीज करने का उन्होंने ऐलान किया हुआ है। पूरे मुल्क में इस फिल्म को लेकर एक गम गुस्सा मुसलमानों में देखने को मिल रहा है। लिहाजा हमारे मुल्क में देखने को आता है कि आए दिन मुसलमानों को लेकर, कुरान को लेकर, हदीस को लेकर किस तरह की बातें बारह पेश की जाती रही है, और फिर से एक बार मुसलमानों को लेकर निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। और एक्स मुस्लिम समीर जो है वो भी जो है कुरान की बेअदबी करने वाले वीडियोस भी वायरल हुए हैं, उसके खिलाफ भी एहतजाज जारी है। लिहाजा आज बेलगाम शहर में देख सकते हैं कि किस कदर एक बड़ी तादाद नौजवानों की भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मुख्तलिफ जमातें, तंजीमें, इदारे सभी जो है एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पर कसीर तादाद में ट्रैफिक को भी रोका हुआ है और पुलिस काफी कसीर तादाद में यहाँ पर नजर आ रही है। सेकेंडली एक्स मुसलमान जो अपने एक्स मुसलमान कहता है, जिसने कुरान बेउज्मती की है, बड़ी बदतमीजी की है और हमारे मुसलमानों के दिलों को बहुत ठेस पहुँचाया है, इसके अगेंस्ट में हमें उसके एक कड़ी कार्रवाई करने के लिए उसके हक में हमने ये दिया है, मेमोरेंडम दिया है। और हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आप हमारी ये सुनेंगे और कड़ी से कड़ी एक्शन लेंगे और फिल्म को भी बैन करेंगे और उसे अच्छी तरह से, जिसने अपने आप को एक्स मुसलमान कहकर कुरान के साथ बेउज्मती की है, उसी में आपका उसके कड़ी से कड़ी सजा देंगे, उसे अरेस्ट करेंगे और हो सके जो भी कानून जो बन सकता है कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद हूँ जो इस वक्त में ये पूरे प्रोटेस्ट का डायरेक्ट कर रहा हूँ। आज हमारा ये खास मुतालबा है कि जो अब एक फेक प्रोपोगंडा के तहत जो फिल्म निकल रही है और 7th को रिलीज होने वाली है, कि जो मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाया और कुरान को तोड़ मरोड़ कर, जो है नहीं उसके अंदर एक्चुअल, उसको तोड़ मरोड़ कर उसके साथ खिलवाड़ किया है और एक गलत बयानी के साथ उन्होंने लोगों के, मुसलमानों के दिलों को मजरूर किया है। तो हमें उस मुतालबे को लेकर यहाँ पर सब जमा हुए हैं कि ये जो फिल्म आ रही है ये मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने वाले और देश की शांति को नुकसान पहुँचाने वाले हैं। अगर देश के शांति कत्लों का गिरे होंगे तो हम आपस भाई भाई आपस में लड़ने वाले बनेंगे, तो ये ना हो। हम शादी पूर्वक क्या है ये मेमोरेंडम हम डीसी को देकर इसको बैन करके क्या है, हम देश के अंदर अमन लाना चाहते हैं। और सेकेंडली एक्स मुसलमान अपने आप को जो एक्स मुसलमान कहने वाला है, उसने कुरान के साथ बड़ी बेहरमती की है, कुरान को फाड़ा है, नौजबिल्ला कुरान पर उन्होंने उसने अपने कदम को रखा है, ये बयान भी नहीं है, इतना सख्त अमल उसने किया है। तो हम चाहते हैं कि हम अपनी हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको उसको अरेस्ट करें और कड़ी से सजा दें, क्योंकि ये जो है ये इस्लाम पर मुसलमानों पर जुल्म नहीं है बल्कि ये देश के अमन पसंद लोगों पर एक जुल्म है। अगर ये लोग अशांति फैलाएंगे तो हर दुनिया में रहने वाला इंसान जानवर सब अशांति की जिंदगी जियेंगे और सब भूखमरी हालात में आएंगे। तो ये न चाहते हुए हम एक लीगल प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं डीसी को मेमोरेंडम देते हुए कि हमारी ये मुतालबा है कि ऐसे सख्त दिल लोगों को जो देश के अमन को भंग करना चाहते हैं, इनको अरेस्ट करके क्या कड़ी से कड़ी सजा दे, यही हमारा एक मुतालबा है। एक ही सवाल है, पूरे यहाँ पर नौजवान काफी नजर आ रहे हैं,
और यहाँ पर लीडर और उलमाए करम वगैरह ये क्या तमाम मुसलमानों का मसला नहीं है, फिर लोग क्यों नहीं आए? देखिए ये सवाल का जवाब ये हो सकता है, जिसका दिल जिंदा है, जो कौम के लिए मरना चाहता है, कौम के लिए जीना चाहता है, बस उसी के दिल में जज्बा जा सकता है, वही आकर अपने लिए और देश की भलाई के बारे में सोच सकता है, कौम की भलाई सोच सकता है। अब उन्होंने क्यों नहीं आए, इन्होंने क्यों नहीं आया, वो फलाना उलमा क्यों नहीं आया, अब उनके दिल में खैर का जज्बा नहीं तो हम क्या नहीं बोल सकते उनके बारे में? लेकिन वो रहबर है नहीं कौम की, नहीं कौम का वारिस है, अंबिया के वारिस है, तो उनकी जिम्मेदारी उन्हें खुद समझना चाहिए, वो जिम्मेदारी उन्हें खुद समझते थे तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए यहाँ आते, जब उनके अंदर वो चीज जज्बा नहीं है तो हम उनको बोल नहीं सकते। आज हम लोग यहाँ जो जमा हुए हैं वो कुरान और अल्लाह रसूल की गुस्ताखी के मौके पर जमा हुए हैं। ये असल में आज से नहीं 1450 साल पहले से चल रहा है कि इस्लाम के खिलाफ और दुश्मनों के खिलाफ जो है वो हर वक्त जो है दूसरे मजाहब के लोग उठते रहे और हर दूसरे लोग जो है इसके ऊपर आवाज़ उठाते आए हैं, लेकिन जब भी इस्लाम पर और कुरान पर और अल्लाह के रसूल की तालीमात पर हमला होता है तो फिर मुसलमान की गैरत जाग जाती है और उड़ जाता है। इसलिए हम इसीलिए आज जमा हुए हैं कि जो इस्लाम के साथ आज खिलवाड़ हो रही है और हमारी हुकूमतें उसका खुलकर साथ दे रही है, इसको चीज़ें बंद करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अगर इसी तरह होता रहा और हम लोग खामोश रहे तो आज कुरान की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, कल बड़े सरेल ऐलान जो है वो इस्लाम की खिलाफ वर्जियाँ की जाएंगी, इस्लाम को बदनाम किया जाएगा। इसलिए आज इतना जो बड़ा आपको मजमा नजर आ रहा है बस इसलिए आया है कि इन चीज़ों को रोका जाए और हुकूमत जो है इन चीज़ों को बंद करे, वरना अगर हुकूमत इनका साथ देगी तो फिर कोई चीज़ बाकी नहीं रहेंगी और बरसर ऐलान जो है हुकूमत साथ दे रही। हम इसीलिए आए हैं यहाँ पर कि आप लोगों से ये दरख्वास्त करें कि ऐसी चीज़ों को बंद किए जाए और इस्लाम और मुसलमानों के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, कुरान के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, इसको बंद किया जाए, वरना मुसलमान हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है, अल्लाह रसूल की बारी जब आती है तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं करता। तो इसलिए हम जो है इसीलिए आज आए हैं कि जो खिलवाड़ हो रहे हैं इसको बंद किया जाए, वरना फिर जब मुसलमान जागता है, गैरत ईमान जागती है, तो फिर आप तारीख उठा करके देख लें कि क्या से क्या हो गया है। मैं हम लोग आज इसीलिए आए हैं कि आज जो है 7 तारीख को जो ये फिल्म रिलीज हो रही है ये किसी हालत में फिल्म रिलीज नहीं होना चाहिए। ये हम कर्नाटक हुकूमत से चाहते हैं कि ये फिल्म रोक दी जाए, बैंड की दी जाए, वरना इसके हालात बहुत खराब होंगे, क्योंकि हम पीस को चाहने वाले हैं, पीस मेंटेन करने वाले लोग हैं। हमारे साथ ऐसा गुस्ता के रसूल और ये कुरान की बेहरमती हमें कभी बर्दाश्त नहीं होगी। हम चाहते हैं कि ये 7 तारीख को रिलीज होने वाली जो फिल्म है ये बैंड किया जाए। हम हुकूमत से भी दरखास्त और रिक्वेस्ट करते हैं और कौन से भी थिएटर में अगर ये फिल्म लगेंगी वो थिएटर का नक्शा बदल जाएगा। हम ये चैलेंज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। मैं आपसे आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब एक जुमला देते हैं, जुमला कि आज उनका बारी है, ऐसा एक जुमला देते हैं तो उनके ऊपर FIR की जाती है और उनको अरेस्ट करा जाता है, उनको जेल में डाला जाता है। जब हमारे पे कुरान के ऊपर गलत अल्फाज उसको तर्जुमा चेंज करके बताया जाता है, मुसलमानों के अंदर माँ बहनों को कुछ गलत बोला जाता है, तो इसके ऊपर क्यों नहीं FIR होता है? मैं सवाल करता हूँ। और अगर इनके ऊपर FIR नहीं हुई तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे तमाम जितने भी यहाँ भाई लोग खड़े हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहर को भी रिलीज करे और नहीं तो इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन ले, इनको भी जेल में डाला जाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं मकसूद मकानदार, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। आज जो हमारे नौजवान किस्म के जिम्मेदार हजरत जो जमात से ताल्लुक रखते हैं उन्होंने तमाम ने मिलकर प्रोटेस्ट विद्यमान किया था। उसी के साथ आज का जो उनका अहम मजदूर एजेंडा था वो एजेंडा ये था कि जो हम जो हमारे 12 वर्ष जो फिल्म आ रही है वो फिल्म को बायकॉट करे, उसको बैन करे, उससे सेंसर बोल्ड है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई लेकर एक्शन लेकर वो फिल्म को क्या है पूरे मुल्क भर में इंडिया ही रियासत के अंदर किस जगह पर भी बारीकी से बारीक जगह पर भी उसे क्या है रिलीज ना किया जाए और कौन से भी पर्दे पे उसे ना लाया जाए बोलकर एक अजीजाना उनकी रिक्वेस्ट थी। और एक समित त्रिपाठी बोलकर, समित चतुर्वेदी बोलकर
सिद्धार्थ चतुर्वेदी उसका नाम है, वो क्या है एक्स मुस्लिम बोलते रहे यूट्यूब पर के चैनल बनाकर उसमें कुरान की बेहरमती कर रहा है। आए दिन आकर कौन से एक्शन आयते बोलता है, वो आयते में का अलग गलत गलत का तर्जुमा बता करके आए, और एक दिन तो ऐसी घटिया हरकत कर दी उसने सिद्धार्थ बोलकर। वो क्या क्या एक बार कुरान को लेकर आकर कुरान के ऊपर पैर रखकर कुरान के छंद अल्फाज फाड़ कर उसके पन्ने फाड़ करके आए, कुरान को जलाया। ये सब देख कर क्या हर एक मुसलमान का खून खोलता है, हर एक मियाँ जितने भी आए हुए नौजवान उनका हर एक का खून खोलता है। ऐसे नहीं कि डिसिप्लिन के साथ के साथ ये सिर्फ बता रहे हैं कि अगर ये पिक्चर अगर रिलीज हुई या ये पिक्चर अगर थिएटरों में लगी तो आज सिर्फ आकर एक मेमोरेंडम लीगल तरीके से रूल्स एंड दायरे में रहते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस करते हुए आज डीसी को मेमोरेंडम दिया है। कल ऐसा वक्त ना आए, ऐसा वक्त ना आए कि थिएटरों को आकर नौजवान कुछ भी जोश में आकर कुछ भी गलत ना करे। इसलिए मैं सख्त मेरे आरजू से मैं एचडीपीआई से गुजारिश करता हूँ, यहाँ के सेंसर बोर्ड से, हमारे इंडिया के गवर्नमेंट से और हमारे कर्नाटका मौजूदा गवर्नमेंट कांग्रेस सत्ता से, वो अपने लेटर पैड पर ऑफिशियली लेटर पैड पर एक मेमोरेंडम कोर्ट को दे कि वो पिक्चर को बैन लगाए, और एक मेमोरेंडम सेंसर बोर्ड को दे कि सेंसर बोर्ड भी आइंदा ऐसे फिल्म एक्टर को ऐसे फिल्म रिलीज करने वालों को फिल्म कभी भी करने का मौका ही ना दे। रिलीज करना तो दूर की बात है, पिक्चर को पर्दे में देखना उसे पास करना ये तो दूर की बात है, ऐसे प्रोपोगंडा रचाने वालों को फिल्म ओपन करने का तरीका ही ना दे। और एक इसी के बाद कहने के लिए मैं ये करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ हाल ही में हमारा और एक डिस्ट्रिक्ट का एक ब्रोकर धारवाड़ बोलकर वहाँ पे प्रमोद मुतालिक बोलकर जो प्रमोद का नाम का उससे मतलब भी नहीं पता होगा, प्रमोद यानी एक सबको खुशियां देने वाला खुशियां इंजॉय करने वाला एक जॉय एंड हैप्पीनेस वाला उसका मतलब होता है। वो प्रमोद नाम का एक शख्स जो जहर उगलता है दिन ब दिन का जहर उगलता है, हालांकि पिक्चर से तन अल्फाज लेकर पिक्चर के थोड़े अल्फाज लेकर क्या है एक लहू जिहाद जो 2009 में सुप्रीम कोर्ट और लहू जिहाद का मायना ही नहीं है, ऐसे एक नोटिस पास कर बिल पास कर वहाँ का प्रमोद मुतालिक क्या है पूरे लोगों में क्या है भड़काऊ भाषण दे रहा है, हमारे बेलगाम का और हमारे कर्नाटक की रियासत का माहौल खराब करने का माहौल ही बेचैनी करने का जो विरोध कर रहा है। मैं यहाँ से धारवाड़ एसपी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वैसे लोगों को सख्त से सख्त एक्शन ले और ऐसे कामों को वहीं पे रोका दिया जाए। मैं इतना कहकर मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम सलमान अजहरी एक साहब एक जुमला दिए थे, सिर्फ एक जुमला दिए थे तो उसके बारे में उनको उनके ऊपर जो FIR दर्ज करता है और उसके ऊपर उनको जेल में भेजा जाता है। ऐसे हर वक्त इन्होंने फिल्म बनाते हैं, गलत गलत हमारे कुरान के आयतों को झुठलाते हैं, दूसरी चीज़ें दिखाते हैं, इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते, इनके ऊपर खास करके FIR करके इनको भी अंदर करना, अगर इनको अंदर नहीं करते मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिलीज करना। ये हमें सख्त से सख्त एक्शन लेने गए, ये गवर्नमेंट हो या सत्ता हो जो भी हो हम सब इसके अवसर जुड़े से हैं, इंशाल्लाह ये खाली एक मेमोरेंडम देने के अवसर आए थे, ये बात समझाने के अवसर आए थे, इंशाल्लाह अगर इसके ऊपर कोई भी तवज्जा नहीं देगा इससे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे लोग, उसके बाद जिम्मेदार प्रशासन और इसके ऊपर गवर्नमेंट रहने वाली। असीर तादाद में लोगों की भीड़ देख सकते हैं, बहुत गुस्सा मुसलमानों के दरमियान कि हम जो हमारे बारा एक मुसलमानों को निशाना बनाने वाली फिल्म जो रिलीज की गई है, रिलीज होने वाली है अगले महीना, जिसे लेकर पूरे मुल्क में एक तरह का गुस्सा देखने को मिल रहा है, बड़ी तादाद में लोग जमा हुए हैं, फिल्म को बैन करने का मुतालबा किया जा रहा है। हम जो हमारे बारा यानी कि मुसलमानों की तहजीब मुसलमानों के अकायद को लेकर कुरान हदीस को लेकर गलत एक प्रोपेगंडा इस फिल्म के जरिए पेश किया जा रहा है। वैसे तो हमारे मुल्क में आजकल वजीर आजम भी मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे हैं, कई सारे तंजीमें इदारे सियासी पार्टियां भी आजकल मुसलमानों को पुलिस महकमा बड़ी तादाद में बुलाया गया यहाँ पर।
यहाँ पर बैनर और उसकी उसको हिरासत में लेने का मुतालबा नौजवानों की जानिब से बेलगाम के। बेलगाम के मुसलमानों की जानिब से बड़ी तादाद की एक एहतजाज देखने को मिल रहा है। हम दो हमारे वाला इस मुल्क में बढ़ती पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। बड़ी ताज्जुब की बात है जो दो बच्चे पैदा करने वाले तो 120 करोड़ में है और 12 बच्चे पैदा करने वाले 20 करोड़ में है, ताज्जुब की बात है। लिहाजा एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश इस मुल्क में इससे पहले भी की गई, आज भी की जाए। बड़ी तादाद में